हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन सेंटेंसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज आप लोगों के लिए अयोध्या बाराबंकी रूट पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। सामने देख सकते हैं फ्रेंड, सैदखनपुर रेलवे स्टेशन आ रहा है। हमारी ट्रेन किसान एक्सप्रेस है जो धनबाद से फिरोजपुर के बीच में चलती है। इस वीडियो को अख्तर भाई ने बनाकर भेजा है जो बाराबंकी के रहने वाले हैं। अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेल बेड का काफ़ी हिस्सा तैयार किया गया है और किनारे स्लीपर्स भी रखे हुए हैं, लेकिन बारिश की वजह से देख सकते हैं कई जगह पर जल भराव हो गया है। और जहाँ कहीं आप लोगों को ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर पुलिया का निर्माण कराया जाना है। इसके अलावा देख सकते हैं सैदखनपुर रेलवे स्टेशन के आगे यहाँ पर एक स्टेशन आ रहा है, तो देख सकते हैं इस स्टेशन का नाम जो है वो सफदरगंज रेलवे स्टेशन है जो आने वाला है। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो कर लिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी OHE मास्ट नहीं लगाए गए हैं। तो अख्तर भाई जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो किसान एक्सप्रेस है 03307 कोविड स्पेशल ट्रेन। आप लोग खुद देखिए कि क्या हाल हो गया है अयोध्या बाराबंकी रूट का, डबलिंग का। ख़ास तौर से जहां पर मिट्टी पठान का काम हो रहा था वहां पर अब आप लोगों को पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, गड्ढे हो गए हैं, कीचड़ सब नज़र आ रहा है। तो एक तरह से रेलवे वालों की पूरी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि दोबारा इनको फिर से सही करना पड़ेगा, रेल बेड सही तरीके से बनाना पड़ेगा, मिट्टी पठान का काम भी फिर से सही तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह ये देखिए यहाँ पर स्लीपर्स भी आ गए थे, लेकिन इस तरह से ऐसी बारिश हुई कि सारा काम बिगड़ गया। अब इस प्रोजेक्ट में और भी डिले होगा क्योंकि रेलवे का काम बढ़ गया, या जो भी संस्था इस रूट पर डबलिंग का काम करा रही है उसका एकाएक काम बढ़ गया है। तो आप खुद भी देख सकते हैं क्या हाल हो गया है फैज़ाबाद बाराबंकी रूट का, क्योंकि पहले ही इस रूट पर बड़ी लेट लतीफ़ी से काम किया जा रहा है और उस पर यह बारिश की मार और जगह जगह पानी, जल भराव और कीचड़ की समस्या। तो इस वजह से दोबारा यहाँ पर काम किया जाएगा तो फिर से समय लगेगा, फिर से पैसा खर्च होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो लेट होना लाजमी है। तो फिर से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं जिस भी हिस्से को हम कवर कर रहे हैं, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हो गया है फैज़ाबाद से बाराबंकी के बीच में डबलिंग का। और शायद इसी वजह से अब यहाँ पर काम रोक दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर काम फिर से किया जाएगा तो आप मान के चल सकते हैं फिर से बारिश होगी और फिर से यही वो हाल हो जाएगा जहाँ पर ये हाल हुआ है। तो जहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण कराया जाना है अब केवल वहीं पर काम हो रहा है, वरना बरसात की वजह से ये देखिए कितना ख़राब हो गया है रेल बेड जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ऊबड़ खाबड़ हो गया है काफ़ी हद तक। तो ऐसे कम समय में काम रोक देना ही उचित होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं तो जो रेल बेड है यहाँ पर, तो वो अच्छी तरीके से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बैलास, बजड़ी और मोरक वगैरह डाल दी गई थी जिसकी वजह से बारिश का ज़्यादा असर नहीं हुआ यहाँ पर, आप खुद भी देख सकते हैं, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसको फिर से ठीक कर लिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ पर मोरंग और बैलास नहीं डाला गया था वहाँ पर ज़्यादा समस्या आएगी ठीक करने में। और देख सकते हैं यहाँ पर भी तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। तो इस तरह से अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ जहाँ पर ये कीचड़ वाली समस्या या समतल करने का जो काम था वो फिर से दोबारा अभी शुरू किया जाएगा, सब कुछ बरसात के बाद होने की संभावना है, क्योंकि दोबारा काम करने की हिम्मत नहीं होगी रेलवे वालों को, काम करेंगे तो फिर बिगड़ जाएगा। तो बेहतर है, श्रम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, तो इससे बेहतर है कि बरसात तक रुक ही जाया जाए, बरसात के बाद तेज़ रफ्तार से काम कराया जाए। देख सकते हैं देखिए फाउंडेशन बना हुआ है, रसौली रेलवे स्टेशन आने वाला है, क्योंकि दरियाबाद से बाराबंकी के बीच में लगभग 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं जैसा कि अख्तर भाई का कहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये देखिए पुलिया बनाने का काम चल रहा है, मजदूर वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए तो ये पुलिया बनाई गई है जिसकी वजह से मजदूर लगे हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है रेल बेड की, और ऐसी हालत अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखी डबलिंग की।
खास तौर से मऊ आजमगढ़ रूट पर भी, आजमगढ़ शाहगंज रूट पर भी, चाहे भटनी औरिहार रूट ले रख लीजिए। हालांकि इस बीच मैंने आप लोगों को वहां का अपडेट नहीं दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को आजमगढ़ शाहगंज के बीच में अपडेट दिया, तो ऐसी स्थिति वहां पर भी नहीं हुई जैसी स्थिति यहां पर हो गई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो रसौली रेलवे स्टेशन आ रहा है, रसौली रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फाउंडेशन बना लिए गए हैं, OHE मास्क नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैक भी बिछाया जाना है। मैंने रसौली रेलवे स्टेशन से आप लोगों को पूरा अपडेट दिया था कि दो प्लेटफॉर्म रहेंगे, चार ट्रैक रहेंगे, दो मेन लाइन के लिए रहेंगे, एक अपलाइन के लिए, एक डाउन लाइन के लिए। तो यहाँ पर भी जो मिट्टी पठान का काम है, मिट्टी समतल करने का काम है रसौली रेलवे स्टेशन पर, वो अभी नहीं किया गया है। हालांकि मिट्टी डाल दी गई है और स्टेशन पर भी जगह जगह देख सकते हैं कीचड़ वगैरह हो गया है, मिट्टी धंस गई है। तो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है बाराबंकी से रसौली के बीच में, और देख सकते हैं फाउंडेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं अख्तर भाई कि यहाँ पर फाउंडेशन बन गए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने रसौली रेलवे स्टेशन से अपडेट दिया था तो मुझे ये फाउंडेशन नहीं नज़र आए थे, और मैंने उस वीडियो में गलत बोल दिया था कि स्टेशन पर कुछ भी इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जो मज़दूर वगैरह हैं वो सब यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, और बारिश का मौसम भी है आप देख सकते हैं, तो हल्की फुल्की यहाँ पर भीगा भागा सा मौसम है, या जो यहाँ पर मिट्टी वगैरह है सब भीगी भागी सी है क्योंकि हल्की फुल्की बारिश चल रही है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो क्रॉसिंग आ गई है और हम लोग बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप हाल देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह से हो गया है, तो बहुत बुरी हालत हो गई है फैज़ाबाद बाराबंकी रूट की। इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो डबलिंग के लिए रेल बेड है उस पर ज़्यादा असर पड़ गया। और अगर कोई भी कार्यदायी संस्था जो इस रूट पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करा रही है, अगर डबलिंग से संबंधित काम नहीं रोकती है और बारिश फिर से शुरू हो जाती है, तो उसकी मेहनत बहुत बेकार हो जाएगी। आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल खेत की तरह जैसा होता है, खेत में मेड़ वगैरह बनी होती हैं या गड्ढे वगैरह होते हैं, रोपाई वगैरह की जाती है, तो उस तरह की यहाँ पर स्थिति हो गई है। बाएं दिशा में आप देख सकते हैं जो डबलिंग के लिए जो बैलास है वो भी रखा हुआ है, काफ़ी हद तक यहाँ पर पुलिया बनाई जानी थी जो निकल गई तेज़ रफ्तार से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो जगह जगह जल भराव, पानी, काम बढ़ गया रेलवे का, मेहनत भी बढ़ेगी, श्रम भी लगेगा, पैसा भी अलग से खर्च होगा। तो इस तरह से डबलिंग के लिए जो ये परियोजना चल रही है फैज़ाबाद से बाराबंकी के बीच में, अब हमें और इंतज़ार करवाया जाएगा बारिश की वजह से। यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो बहुत बुरा हाल हो गया है। हमने आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बाराबंकी से पहले यहां पर जो OHE मास्ट हैं लगे हुए हैं, उनमें ब्रैकेट्स वगैरह भी लगा लिए गए हैं, तो यहां तक कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो ठीक गति से हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।